हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, नेम द माइक्रोब प्रेजेंट इन द इनोकुलम यूज्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। हाउ डज इट इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमें उस माइक्रोब का नाम मेंशन करने हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनोकुलम के अंदर, जो हेल्प करते हैं मिल्क को सेट करने में इनटू कर्ड, दही बनाने में हेल्प करते हैं। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी मेंशन करना है कि ये कैसे इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन द कर्ड। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर द की कॉन्सेप्ट इज सेटिंग ऑफ मिल्क into curd with the help of microbes. Now, जो main microbe होते हैं which is responsible to convert milk into curd, इन माइक्रोब्स को कहा जाता है लैक्टोबेसिलस। और इनको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबेसिलस, इट ग्रोज इन मिल्क and convert it into curd. So, ये conversion process कैसे हो पाता है? During growth, ये जो bacteria होते हैं, ये release करते हैं lactic acid को। लैक्टिक एसिड ये कोगुलेट कर जाते हैं एंड इट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। एंड फाइनली ये कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस कर्ड को अगर हम स्मॉल अमाउंट में कलेक्ट करें, ये एज ए इनोकुलम वर्क कर सकते हैं और एक स्टार्टर कल्चर की तरह इसे यूज किया जा सकता है। जैसे ही हम इस इनोकुलम को एक फ्रेश मिल्क में ऐड करेंगे विद इन द राइट टेम्परेचर, ये उस फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबेसिलस, ये लैक्टिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12 को भी रिलीज करते हैं एंड हेंस ये कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। So I hope you understood the answer well. Best of luck.